আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم हज़रात उलमाए किराम मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान भाइयों ख़वातीन इस्लाम आज का हमारा मौजू गुफ्तगू ये है औलियाए किराम और इताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि वली का लुगवी माना क्या है। ये लफ्ज़ वली अरबी के मादा वाव लाम ये से ड्राइव्ड है, से निकला हुआ है। कहा जाता है हाजा यली हाजा, ये करीब है इसके। इसका लिंग्विस्टिकल माना देखने के बाद, लुगवी माना देखने के बाद यह मालूम होता है कि
वली की हकीकत में कुर्बत और नजदीकी दाखिल है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह अहज़ाब में यह फरमाया गया, अन्नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोमिनों से उनकी जान से भी ज्यादा करीब हैं। तो ये औला का जो लफ्ज है ये अरबी के उसी लफ्ज वला यली से निकला हुआ है, जिसका मतलब है करीब होना, जैसा कि आयत करीमा में अन्नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहिम, के नबी मोमिनों से उनकी जान से भी ज्यादा करीब हैं, और नबी की जो बीबियां हैं वो तमाम उम्मत की माएं हैं। इसी से लफ्ज वली है, वली का मतलब करीब, और वलीउल्लाह का मतलब होता है जो अल्लाह के करीब हो। इस लड़के को हटा दो यहां से, लड़के को हटाओ यहां से। वली का मतलब करीब और वलीउल्लाह का मतलब होता है जो अल्लाह के करीब हो। तो अल्लाह के करीब को वली कहा जाता है। इस रूए जमीन पर सबसे बड़े वली अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम, उनसे बड़ा वली कोई नहीं होता, इसलिए कि ये सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होते, ये मुकर्रबीन बारगाह इलाही होते। तो तमाम औलिया में, तमाम वलियों में सबसे अफजल अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम, और अंबियाए किराम में सबसे बड़े वली रसूल हैं। नबी और रसूल में फर्क होता है। रसूल जो नबी भी हो और उसे नई शरीयत दी गई हो, और नबी कहते हैं अपने पहले रसूल की किताब के अंदर बयान किए गए कानून का ताबे हो। तो तमाम वलियों में सबसे अफजल अंबियाए किराम, और तमाम अंबियाए किराम में सबसे अफजल वली रसूल हैं, और रसूलों में भी सबसे अफजल वली उलुल अज्म रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शरा लकुम मिनद दीन मा वस्सा बिही नूहं वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद दीन वला ततफरकू फी। इस आयत करीमा में उलुल अज़्म रसूलों का तज़किरा किया गया है। फिर से समझ लें, तमाम औलिया में सबसे अफजल अंबियाए किराम हैं, और अंबियाए किराम में सबसे अफजल रसूल हैं, और रसूलों में सबसे अफजल उलुल अज़्म रसूल हैं। जैसे हजरत नूह 950 बरस तक उन्होंने दावत तौहीद अपनी कौम के सामने पेश की, और हजरत इब्राहिम हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत ईसा हैं, और तमाम उलुल अज़्म रसूलों में सबसे अफजल हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साबित हुआ कि सबसे बड़े वली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं। आप अपनी कब्र से सबसे पहले उठेंगे, हदीस में मौजूद, आप कयामत में औलादे आदम का सरदार होंगे,
यह भी हदीस से साबित है। सबसे पहले आपको सिफारिश का इज्न मिलेगा, यह भी हदीस से साबित है। सबसे पहले आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, यह भी हदीस से साबित है। मैदान हश्र में आपके हाथ में लेवाउल हमद होगा, हमद का झंडा, सबसे पहले आप जन्नत में दाखिल होंगे। आपके उम्मती तमाम अंबिया की उम्मतों में सबसे अफजल है। फिर अंबियाए किराम के बाद सबसे बड़े वली सहाबे किराम हैं, और सहाबे किराम के बाद सबसे बड़े वली ताबईन हैं। दलील दलील यह हदीस पाक। वान अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अनु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال खैरुन नास करनी ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه وشهادته يمينه قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد رواه البخاري في كتاب الشهادات। امام بخاری اس حدیث کو کتاب الشهادات میں لائے। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر نبی کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ بعض لوگوں نے اس طرح کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ولی صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے ولی تابعین ہیں، اور تابعین میں تابعین کے بعد سب سے بڑے اولیاء تبع تابعین ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اب آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ولی کا مقام کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کیسے بنتا ہے، یہ ساری باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اسراء۔ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترست علیہ وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته رواه البخاري في كتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پوری روایت کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر لائیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اگر سند صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، اور اگر سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع ہو جائے تو حدیث مرفوع، اور نبی یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ولایت یہ ضد ہے عداوت کی ولایت کا مطلب قریب ہونا اور عداوت کا مطلب دور ہونا ولی وہ ہے جو کسی سے قریب ہو اور عدو وہ ہے جو اسے دور ہو تو ولایت کے اندر قربت ہے اور عداوت کے اندر دوری ہے دشمن اسی وجہ سے آدمی سے دور ہوتا ہے اور آدمی کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس سے قریب ہوتا ہے اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ میرے کسی ولی کا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے یہ ولی کا مقام ہے ولی کا مقام سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ کے ولی کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی ولی سے کوئی دشمنی رکھے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کے دشمن ہیں اولیاء کے گستاخ ہیں اولیاء کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اہل الحدیث ہوگا تو اولیاء سے عداوت کیسے رکھے گا اولیاء کا گستاخ کیسے ہوگا اولیاء سے دشمنی کیسے رکھے گا اس لیے کہ حدیث میں تو یہ موجود ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے تو اگر کوئی شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے کسی طریقے پر وہ اہل الحدیث نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اس حدیث کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے اور اس حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے لہذا اہل حدیثوں کے اوپر یہ الزام کہ اولیاء کے گستاخ ہیں اولیاء سے دشمنی رکھتے ہیں اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ بے بنیاد الزام ہے اس لیے کہ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کسی ولی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھلا اہل حدیث کسی ولی سے دشمنی کیسے رکھ سکتا ہے اور اپنی عاقبت کیوں خراب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کیوں کرے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کھڑا کیسے ہو سکتا ہے تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ اہل حدیثوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ گستاخ اولیاء ہیں اس حدیث کی روشنی میں یہ الزام بے بنیاد ثابت ہوتا ہے اور دوسری بات ولی کا مقام یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے یہ ولی کا مقام ہے یہ ولی کا مرتبہ ہے اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ تو ولی کا مرتبہ ہوا اب ولی بنتا کیسے ہے بتایا جا رہا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عبدی بشیئن احب الی مما افترست علیہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اور قریب ہونے میں سب سے اہم چیز سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر جو فریضے عائد کیے ہیں ان فریضوں کو وہ ادا کرتا ہو اللہ نے جو جو چیزیں بندے کے اوپر فرض کی ہیں ان تمام فریضوں کو تمام فرائض کو وہ ادا کرتا ہو کوئی فریضہ چھوٹنے والا نہ ہو جیسے نماز فرض ہے نماز کا تارک نہ ہو اگر نماز چھوڑ دینے والا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے اب مجھ سے قریب ہونے کے لیے یہ ولی کی تعریف ہے جو اللہ سے قریب ہو وہ اللہ کا ولی اچھا
और मुझसे करीब होने का तरीका क्या है? मैंने उसके ऊपर जो फरीजे आयद किए हैं उन फराइज को वो अदा करता हो। नमाज का तारिक अगर है वली नहीं हो सकता, रोजों का तारिक है रमजान के तो वो वली नहीं हो सकता, साहिब इस्तेतात है जकात अदा नहीं करता अल्लाह का वली नहीं है। इसी तरीके से साहिब इस्तेतात है ज़ादो राहिला उसके पास मौजूद है हज के लिए नहीं जाता वो भी अल्लाह का वली नहीं है, हलाल हराम की तमीज नहीं करता वो भी अल्लाह का वली नहीं है, रिश्वत खोर है वो भी अल्लाह का वली नहीं है, सूद खोर है वो भी अल्लाह का वली नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस में यह फरमाया है कि जो जो चीजें मैंने अपने बंदे के ऊपर फर्ज की हैं उन तमाम फराइज को बजा लाता है तो वो मुझसे करीब होता है, और जब मुझसे करीब हो गया तो वो मेरा वली हो गया। तो तरतीब से याद रखो, पहले वली का मर्तबा बताया गया। वली का मर्तबा यह है कि कोई अगर वली की शान में गुस्ताखी करता है, वली से दुश्मनी रखता है तो अल्लाह का उससे ऐलान जंग है, ये वली का मर्तबा। अच्छा, वली कहते किसको है? जो अल्लाह से करीब हो, जो अल्लाह के करीब हो। और यह भी नुक्ता याद रखो, जो अल्लाह से जितना करीब होगा उतना बड़ा वली। अब बताइए कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह से करीब कौन हो सकता है? लिहाजा चूंकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है, लिहाजा सबसे बड़े वली वही। अब वली बनता कैसे है? बताया गया, मिम्मफ तरस्तु अलैही, जो जो चीजें मैंने उसके ऊपर फर्ज की हैं उन तमाम फराइज को बजा लाता हो। बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं कि अल्लाह के वली। नमाज नहीं पढ़ रहा है तो अल्लाह का वली कैसे हुआ? इस हदीस में तो यह है कि जो मैंने फर्ज किया है उसका तारिक ना हो, उसका अदा करने वाला हो। और वली बनने के लिए जरूरी है कि पहले फराइज को अदा करता हो, जो जो चीज अल्लाह ने फर्ज की है। अच्छा, अब ये वलायत की हद में दाखिल हो गया। देखिए वलायत की हद है, ये देखिए, ये वलायत की हद यहां से शुरू होती है, यहां से। अब आदमी अल्लाह के तमाम फर्ज करदा अहकाम के ऊपर अमल करने लगा तो अब ये वलायत की हद में दाखिल हो गया। अब धीरे धीरे करीब होता रहता है। अब आगे बताया गया, वमा यजालु अब्दी यतकर्रबु इलैय बिन नवाफिल, फिर मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मुझसे करीब होता रहता है। ये देखो, फराइज की अदायगी के बाद वो विलायत की हद में दाखिल हो गया, अब वलायत की हद में दाखिल होने के बाद अब उसका कुर्बत का सिलसिला, कुर्बत का मामला बढ़ता रहता है, नजदीकी का मामला बढ़ता रहता है। और यह किस तरह होता है? जब वो नवाफिल अदा करता है, सिर्फ नमाज नवाफिल पढ़ने से आदमी करीब नहीं होता। यार नवाफिल से मुराद यह है कि फराइज रोजों के बाद, फर्ज रोजों के बाद वो नफली रोजे भी रखता हो, जकात जो फर्ज है अदा करने के बाद सदको खैरात भी करता हो, नमाज अदा करने के बाद फर्ज नमाजें वो नवाफिल भी पढ़ता हो, सुनन का पाबंद हो। इन तमाम चीजों के जरिए जो नवाफिल हैं, जितनी नफली चीजें करेगा, नफली इबादतें करेगा, वो अल्लाह से उतना करीब होता जाएगा। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैय बिन नवाफिल, बंदा मेरा मुझसे करीब होता रहता है नवाफिल के जरिए। फर्ज फर्ज की अदायगी के बाद वो हुदूद वलायत में दाखिल हो गया, और फिर उसके बाद नवाफिल के जरिए वो अल्लाह से करीब होता रहता है। अब एक मकाम ऐसा आता है कुर्बत का, नजदीकी का, कि अल्लाह फरमाता है हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। कोई आदमी किसी के करीब हो जाए, दिल के करीब हो जाए, तो जाहिर है कि उससे मोहब्बत हो ही जाती है। अब धीरे धीरे बंदा अल्लाह के करीब हो गया और ऐसे मकाम पर पहुंच गया कि अल्लाह फरमाता है, उस मकाम पर पहुंचने के बाद, नजदीकी और कुर्बत के उस मकाम तक पहुंचने के बाद, हत्ता उहिब्बहु, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। अच्छा, मोहब्बत करने लगता हूं तो फायदा क्या मिलता है उसको? अरे भाई, हमेशा मोहब्बत करने वाले को महबूब से कुछ फायदा मिलता है। अब अल्लाह मोहब्बत करने लगा तो जिससे मोहब्बत करने लगा है वो महबूब है। अब महबूब का फायदा क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है
कुंतु समअहु लजी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। वह बसरहु लजी युबसिरु बिही, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वह यदहु लती यब्तिशु बिहा, उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वह रिज्रहु लती यमशी बिहा, और मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। तो क्या अल्लाह इंसान के बदन में आ गया, वली के बदन में आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां एक जबान का उसलूब है, मैं उसके कान बन जाता हूं। क्या मतलब? जिससे वो सुनता है, कि मैं जब उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो उसकी हालत ये हो जाती है कि अपने कान से उन्हीं चीजों को सुनता है जिसको मैं पसंद करता हूं। नुक्ता याद रखो, अगर कुरान सुनने के बजाय आदमी को गाने पसंद हूं, गाने महबूब हूं, वली नहीं हो सकता। अगर कुरान सुनने और पढ़ने के अलावा कव्वालियां उसे पसंद हूं तो वली नहीं हो सकता। नाच गाने अगर उसे पसंद हैं तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। मतलब ये कि अपने कान से उन्हीं चीजों को सुनना पसंद करता है जिन चीजों को मैं पसंद करता हूं। जिन चीजों को मैं पसंद नहीं करता उन चीजों को वो नहीं सुनता है। आज देखो अपने कानों से क्या क्या चीजें लोग सुनते हैं। वो चीजें जो अल्लाह को मबगूज हैं, अल्लाह को नापसंदीदा हैं। ऐसा आदमी अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? और आगे फरमाया गया, वह बसरहु लजी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। क्या मतलब? मैं वली के अंदर आ गया? नहीं, आंख बन जाने का मतलब यह है कि अपनी आंखों से वो चीजें देखता है जो मुझे महबूब हैं। आज अपनी आंखों से इंसान ऐसी ऐसी चीजों को देखता है जो अल्लाह को नापसंदीदा हैं। ना महरम औरतों के ऊपर नजर डालना, टीवी पर फहश मनाजिर देखना, बाजारों के अंदर गलत जगहों पर अपनी नजरें डालना, ऐसा आदमी वली नहीं हो सकता। वही चीज वो देखेगा जिसका देखना अल्लाह को पसंद हो, जो चीजें अल्लाह को पसंद है। अच्छा, वयदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसे वो पकड़ता है। मतलब ये कि इन हाथों से वही काम करता है जो काम अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है, जो महबूब है। अगर इन हाथों से कोई गलत काम करता है तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वरिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मतलब ये कि इन पैरों के जरिए उन्हीं जगहों पर जाता है जहां जाना मुझे पसंद है। वो गलत जगहों पर जाएगा अल्लाह का वली नहीं हो सकता, इसलिए कि गलत जगहों पर जाना मुझे पसंद नहीं है। लिहाजा अगर गलत जगहों पर जाता है तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये मतलब है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के मामले में ये सोचे कि वली के अंदर आ जाता है, अल्लाह और वली दोनों एक हो जाते हैं, ये तस्वीर बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आगे उसका जवाब दिया जा रहा है। वइन सअलनी लऊतियन्नहु, अगर मेरा ये वली मुझसे कुछ सवाल करता है तो मैं उसको देता हूं, अल्लाह, और जरूर भी जरूर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि वली हमेशा अल्लाह का फकीर होता है, अल्लाह का मोहताज होता है, कभी भी वो बेनियाज नहीं होता अल्लाह से। अल्लाह से हमेशा सवाल करेगा तो अल्लाह से सवाल करता है। वइन सअलनी लऊतियन्नहु, अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को जरूर पूरा करता हूं। और सायल और मसूल दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा कैसे? मांगने वाला भी वही, देने वाला भी वही, दोनों एक कैसे हो गए? मांगने वाला अलग होता है, देने वाला अलग होता है। इस हदीस में बताया गया कि
दोनों एक नहीं हो सकते। वली अल्लाह का फकीर है और अल्लाह तबारक व तआला मलिक है, बादशाह है। वइन सअलनी लउतियन्नहु, अगर मुझसे वो कुछ मांगता है तो मैं उसको जरूर देता हूं। वलइन इस्तआदनी लउइजन्नहु, अगर वो मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसको पनाह देता हूं, पनाह देता हूं उसको। अरे हजरत बरा इब्ने मालिक के बारे में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर वो किसी चीज पर कसम खा लेते तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता था। यहां तक कि ऐसा लगता किसी जंग के अंदर मुसलमान हार रहे हैं तो इनसे कहा जाता था, अरे बरा जल्दी से अल्लाह तबारक व ताला को कसम दो कि हम दुश्मन को हरा सकें। और हजरत बरा इब्ने मालिक जब कसम देते थे अल्लाह तबारक व ताला को तो हारी हुई बाजी मुसलमान जीत जाया करते थे। तो वलैन इस्तादनी लउइज़न्नहु, अगर वो मुझसे पनाह तलब करता है तो मैं उसको जरूर पनाह देता हूं। ये और आगे फरमाया गया कि वमा तरद्दत्तु अन शैइन फ़ाइलुहु, मैं कोई काम जब करने लगता हूं, कोई काम करने वाला होता हूं तो मुझे पसोपेश नहीं होता कि करूं कि ना करूं। एक चीज में होता है मोमिन की जान निकालने में, जब मैं हुक्म देता हूं फरिश्ते को कि मेरे वली की जान निकाल लाओ तो मुझे वहां पसोपेश होता है, इसलिए कि जान का निकलना मोमिन को नापसंद है फितरी तौर पर, और जो उसको नापसंद है मुझे भी नापसंद है, लेकिन मरना तो बहरहाल उसको है, मेरे पास आना है। लिहाजा सबसे ज्यादा तरद्दुद मुझे इस बात पर होता है कि मेरे वली को मरना नापसंद है और मैं वो काम करने का हुक्म अपने फरिश्तों को दे रहा हूं कि उसकी जान निकाल करके ले आओ। यह हदीस एक तो यह बता रही है कि वली का मकाम क्या होता है, यह बता रही है कि वली कहते किसको हैं जो अल्लाह के करीब हो, मा तकर्रबा, जो अल्लाह के करीब हो। यह हदीस यह भी बताती है कि वली बनने का तरीका क्या है, वली बनने का तरीका क्या, फराइज को अदा करो, विलायत की हद में आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहो नवाफिल के जरिए, तो इसमें वली बनने का तरीका भी बताया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि एक मकाम पर वली पहुंच जाता है जहां वो उन्हीं चीजों को देखना पसंद करता है जो अल्लाह को महबूब, उन्हीं चीजों को सुनना पसंद करता है जो अल्लाह को पसंद हो, उन्हीं चीजों की तरफ हाथ बढ़ाता है जो अल्लाह को पसंद हो, उन्हीं चीजों की तरफ चलकर जाता है जो अल्लाह को पसंद हो, और उस मकाम तक पहुंच जाता है कि अगर कुछ मांगे तो अल्लाह उसको जरूर देता है, और उस मकाम तक पहुंच जाता है कि अगर वो पनाह तलब करे तो अल्लाह उसको पनाह देता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 6 मरतबा पुलिस भेजी उसको पकड़ करके लाओ, उसको कत्ल कर देना। हजरत सामने, पुलिस सामने से जा रही है, उन्हीं को पकड़ने के लिए आई है, मगर अल्लाह तबारक व ताला उनकी नजरों के ऊपर हिजाब डाल देता है। हसन बसरी सामने मौजूद है मगर पुलिस वालों को वो दिखाई नहीं देते। इस तरह 6 मरतबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह हज्जाज के जुल्म से महफूज रहे और हज्जाज के भेजे हुए सिपाहियों से महफूज रहे। उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, उनकी आंखों के ऊपर हिजाबात डाल दिए गए, सामने हसन बसरी मौजूद है मगर पुलिस की निगाहों में नहीं आ रहे। तो अल्लाह तबारक व ताला से अगर वो पनाह तलब करता है तो अल्लाह उसे पनाह देता है। इस हदीस पाक में वलायत की, वली की पूरी तफसील बता दी गई। वली दो तरीके के होते हैं, एक रहमानी वली और एक शैतानी वली, एक अल्लाह का वली और दूसरे शैतान का वली। ये दोनों कुरान से साबित है, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुनो बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली। तो देखा आपने कि यहां यह फरमाया गया कि अल्लाह के वली होते, एक पहली किस्म है, ये रहमानी वली है अल्लाह के वली, अच्छा एक शैतान के वली होते हैं,
फरमाया गया सूरह आराफ में, इन्ना जालना शयातीन औलिया अलिल्लजीन ला युमिनून वइदा फालू फाहिशतन कालू वजदना अलैही आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون। सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह ने फरमाया बेशक हमने शयातीन को उनका वली बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। जरा ठहरे थोड़ा सा। 11वें पारे सूरह यूनुस की जो ये आयतें हैं, पहले इनके ऊपर नजर डालिए, गौर से देखें। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। बेशक अल्लाह के औलिया, इनको न कोई खौफ है और न ये गमगीन होने वाले हैं। अच्छा, तीन चीजें होती हैं, एक होता है हम, एक होता है गम और एक होता है हुज्न। तीन चीजें होती हैं। जमाने माजी में, पास्ट में उसको कोई तकलीफ पहुंची थी, वो तकलीफ उसको याद आती रहती है तो उसको कहते हैं हम। और हाजिर में, प्रेजेंट में वो किसी तकलीफ में है तो उसको कहते हैं गम। और वो ये देख रहा है कि आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उससे वो घबरा रहा है तो उसको कहते हैं हुज्न। हम का ताल्लुक पास्ट से, गम का ताल्लुक प्रेजेंट से और हुज्न का ताल्लुक फ्यूचर से। हम, गम, हुज्न, ये तीनों इंसान को बहुत ही परेशान करने वाली चीजें हैं। लेकिन अल्लाह के औलिया को कोई खौफ और कोई गम नहीं होता, वो बेनियाज़ गम होते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के करीब होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के औलिया, इनको ना डर होता है और ना ये गमगीन होते हैं। एक बात तो ये, अब ये बताया गया कि औलिया कहते किसको हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंदाज में यहां बयान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और जो तकवे वाले हैं। तो जिस आदमी के पास ईमान हो और जिस आदमी के पास तकवा हो, ये दो शर्तें, दो कंडीशंस अगर किसी आदमी में है तो अल्लाह का वली हो। क्या? एक तो ये कि अल्लाह पर ईमान रखता हो और दूसरे तकवा इख्तियार करता हो। ये दो शर्तें किसी शख्स में पाई जाएं तो वो अल्लाह का वली है, और जितनी शिद्दत के साथ पाई जाएंगी उतना बड़ा वली होगा। जितना आला दर्जे का ईमान होगा उतना बड़ा वली, जितना आला दर्जे का तकवा होगा उतना बड़ा वली। गोया कि वलायत के लिए दो शर्तें हैं, वलायत के लिए दो शर्तें हैं, एक ईमान और तकवा। गोया अगर किसी के पास ईमान नहीं है तो वो अल्लाह का वली नहीं है, शैतान का वली है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना जालना शयातीन औलिया अलिल्लज़ीन ला युमिनून, हमने शयातीन को उनका वली बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। इसका मतलब जो ईमान नहीं लाते, अल्लाह उनका वली नहीं, वो अल्लाह के वली नहीं, बल्कि शैतान उनका वली, वो शैतान के वली। ये कुरान से साबित है। तो गोया की वली की दो किस्में हुई, एक शैतानी वली और दूसरे रहमानी वली। रहमानी वली वो है जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, और शैतानी वली वो है जो अल्लाह पर ईमान न रखता हो। दूसरे, रहमानी वली वो है जो तकवा इख्तियार करता हो, और शैतानी वली वो है जो मुत्तकी ना हो, गुनाहों से न बचता हो, नमाज का पाबंद ना हो, रोजों का पाबंद ना हो, हलाल और हराम की तमीज न करता हो, ऐसा आदमी मुत्तकी नहीं है। लिहाजा ये दोनों शर्तें न पाई जाने की वजह से वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और ऐसा शख्स जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, ऐसा शख्स जो तकवे वाला नहीं होता, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके पीछे एक शैतान को लगा देता है, उसके पीछे लगा रहता है, उसका साथी बन जाता है।
अब अल्लाह तो उसका वली है नहीं, अल्लाह तो उसका साथी है नहीं, शैतान उसका साथी बन जाता है। अल्लाह ने फरमाया وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, और जो रहमान के जिक्र से गाफिल होता है हम उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। इसका मतलब यह कि जो शैतानी वली होता है शैतान उसका दोस्त होता है, और जो रहमानी वली होता है अल्लाह तबारक व तआला उसका दोस्त होता है। यह फर्क है रहमानी वली में और शैतानी वली में, यह फर्क कुरान हकीम में बयान किया गया है और अहादीस शरीफा के अंदर भी बयान किया गया है। तो वली होने के लिए दो शर्तें, ईमान और तकवा। जिसके पास ईमान नहीं वो वली नहीं हो सकता, और तकवा, आइए एक आयत करीमा देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम तौइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ाहुम मुबसिरून। ये पूरा बदन इंसानी जानते हैं इसकी राजधानी कौन, राजधानी क्या है, दिल है। दिल के ऊपर कब्जा कर लो, राजधानी के ऊपर कब्जा कर लो, पूरा मुल्क जेरे नगी आ जाता है। तो इस पूरे बदन की राजधानी यह दिल है। शैतान यह चाहता है कि इसी दिल को अपने कब्जे में कर ले, तो क्या करता है इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम तौइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ाहुम मुबसिरून। ये दिल के करीब आता है और क्या करता है, इसे घूमता है। ताइफ माने घूमने वाला, ताफा या तूफा माने चक्कर लगाना ना, तो ऐसे दिल है, ये दिल है, दिल ऐसे है ना, सुनो इसके इसके इर्द गिर्द से चक्कर लगाता है, इसे घूमता है। इन्नल ताइफ माने घूमने वाला, इसे चक्कर लगा, तवाफ उसी से है ना, हम लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, तो ऐसे ही ये तवाफ करता है, घूमता है दिल के इर्द गिर्द, कौन, शैतान। और कहीं दीवारे यकीन के अंदर रखना नजर आता है, दीवारे यकीन के अंदर कोई सुराख और कोई जगह पाता घुस जाता है। अब जिनके दिलों में तकवा नहीं है जगह जगह उनके दिलों में सुराख रहता है। आपने देखा होगा जब इमारत बोसीदा हो जाती है तो उसमें जगह जगह शकूक, जगह जगह फतहात, जगह जगह सुराख, और उन सुराखों के अंदर कीड़े मकोड़े, यहां तक सांप तक घुस जाते हैं। लेकिन दीवार सीमेंटेड हो, उसके अंदर कोई शक ना हो, कोई सुराख ना हो, तो कोई भी कीड़ा, कोई भी सांप उसके अंदर अपना घर नहीं बना सकता। ऐसे ही काफिर का जो दिल होता है, मुशरिक का जो दिल होता है, बिदाती का जो दिल होता है, इसी तरीके से जो शैतानी वली होता है उसका जो दिल होता है जगह जगह उस बोसीदा इमारत की तरह शकूक होते हैं, उसके अंदर गढ़े होते हैं। और जाहिर है कि शैतान इन्हीं गढ़ों के ऊपर अपना डेरा जमा लेता है, अपने अंडे बच्चे यहीं दे देता है। अब जाहिर है दिलों के इन सुराखों में वो अपने अंडे बच्चे दे देता है, उस दिल का हाल क्या होने वाला है, उसी दीवार की तरह जिसके अंदर सांप बिच्छू न जाने कौन कौन से कीड़े मकूड़े और हशरातुल अर्ज उसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन तकवा वाला, तकवे वाले के पास आता है, दिल के इर्द गिर्द से घूमता है, और जैसे ही टच करता है इसे, तो जैसे करंट लगता है भागता है, ऐसे ही छूते ही वो भाग जाता है। इसलिए कि देखता है दीवार के अंदर कोई सुराख नहीं है, दीवार बिल्कुल प्लेन है, सीमेंटेड है, मैं इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और यही नहीं बल्कि तकवा का करंट वहां जारी है, वहां तार लगे हुए हैं। जैसे कोई आदमी बाउंड्री कूदना चाहे, किसी तरीके से बाउंड्री के ऊपर पैर वेर जमा करके ऊपर चला जाए तो ऊपर तार लगे, उसके अंदर करंट छोड़ा हुआ है। अब आयत करीमा देखिए इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम, तकवा वाले, मस्सहुम तौइफ़ुम मिनश्शैतान, शैतान का वसवसा, ये जो घूमने वाला है ये जब छूता है उसको, टच करता, मस्स माने टू टच, टच करता है, तो तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, फौरन को अल्लाह याद आ जाता है और वो अपनी आंखों से देखने लगते हैं, वो शैतान के चक्कर में नहीं आते। अल्लाह, तो कुरान की आयत ने बताया कि शैतानी वली वो होते हैं लिल्लज़ीन ला युमिनून, जो ईमान नहीं रखते,
रहमानी वली वो हुए अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान रखते हैं, और रहमानी वली वो जो कानू यत्तकून, जो तकवा वाले होते हैं, और शैतानी वली वो जो तकवा वाले नहीं होते। और अगर वो रहमानी वली है, तकवे वाला है, शैतान अगर आकर के उसके दिल में घुसना चाहता है तो फौरन उसे करंट लगता है तकवा का और वो भाग पड़ता है। और जो शैतानी वली होता है उसका दिल बिल्कुल उस बोसीदा दीवार की तरह होता है जिस दीवार के अंदर जगह जगह शकूक, जगह जगह सुराख, जगह जगह फतहात है, कहीं भी वो अपना डेरा जमा करके उसके अंदर अंडे बच्चे दे सकता है। तो औलिया कराम के बारे में फरमाया गया कि ईमान और तकवा जिनके अंदर, वली। अच्छा, फायदा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। अच्छा, और लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, उन्हें दुनिया में भी खुशखबरी और आखिरत में भी खुशखबरी। अल्लाह फरमाया अल्लाह की बात में तब्दीली होने वाली नहीं है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी। पता यह चला कि जो अल्लाह का वली हो गया सबसे बड़ा कामयाब बंदा वही है। तो वली ही फौज अजीम का हामिल होता है और सबसे बड़ी कामयाबी का उठाने वाला होता है। अब हम आपको यह बता दें कि वलायत के लिए, वली होने के लिए करामत शर्त है कि खर्क आदत चीज दिखाए। खर्क आदत का मतलब आदतन वैसा नहीं होता, जैसे बहता हुआ पानी रुक जाए, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया का पानी दोनों तरफ रुक गया था, बीच में रास्ता बन गया था। आदतन ऐसा नहीं होता, इसलिए कि पानी की खसूसियत और उसकी फितरत सैलान है, पत्थर बनना नहीं। तो आदत के खिलाफ कोई चीज हो जाए तो उसको कहते हैं खर्क आदत। तो आप समझ लें कि अगर खर्क आदत चीज आदत के खिलाफ, अक्सर ऐसा होता नहीं, अगर नबी के हाथ पर कोई खर्क आदत चीज जहूर पजीर हो तो मौजजा है, और अगर गैर नबी के हाथ पर हो, नबी नहीं है लेकिन अल्लाह का कोई नेक बंदा है, अगर गैर नबी और वो नेक बंदा है उसके हाथ पर अगर खर्क आदत चीज का जहूर हो तो वो करामत है, और अगर किसी अल्लाह के नाफरमान के हाथों जहूर हो खर्क आदत चीज का तो इस्तिदराज है। नहीं समझ में आया? किसी खर्क आदत चीज का जहूर, आदतन वो चीज होती नहीं, अगर वो अंबिया के हाथ पर जाहिर हो तो वो मौजजा है, और अगर गैरे नबी के हाथ पर हो और वो अल्लाह का फरमा बरदार हो तो वो करामत है, और अगर वो किसी अल्लाह के नाफरमान के हाथों जहूर पजीर हो तो वो इस्तिदराज है। नबी जब चाहे मौजजा नहीं दिखा सकता, मौजजा कुल का कुल अल्लाह का फेल होता है, वो जब चाहे तब दिखाए। इसी तरह करामत, ये वली जब चाहे करामत नहीं दिखा सकता, ये भी अल्लाह ही का फेल होता है। हाँ, इस्तिदराज वो आंखों का धोखा होता है, उसमें शयातीन से पनाह ली जाती है, शयातीन से मदद ली जाती है, जादूगर जब चाहे खर्क आदत चीज दिखा सकता है। ये फर्क है करामत में, मोजिजे में, इस्तिदराज के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कितने मोजिजात जोर पजीर हुए। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल-फुरकान बैन औलिया शैतान व औलिया रहमान के अंदर लिखा है कि तकरीबन 1000 मोजिजात के सुदूर आपसे हुए हैं, 1000 मोजिजे आपने दिखलाए, अल्लाह ने आपके हाथों पर 1000 मोजिजे दिखाए तकरीबन। और ऐसे ऐसे मोजिजे साइंस उसकी गर्दे पा को नहीं पहुंच सकती, उंगली से इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया, यह मोजिजा है। उंगली से इशारा किया चांद की तरफ तो चांद दो टुकड़े हो गया। दरख्त को कभी चलते हुए देखा है? दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंसदान दरख्त को जब चलाकर बताए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को हुक्म दिया तो दरख्त चलकर आपके करीब आ गया। बताइए दरख्त कैसे चला होगा? दरख्त के चलने के लिए जमीन का हरकत करना वो जरूरी है, बगैर जमीन की हरकत के दरख्त का अपनी जगह से चलकर नबी के करीब आ जाना एक हैरतअंगेज मौजजा है। दुनिया का कोई साइंसदान इस तरीके का काम, इस तरीके का फेल नहीं दिखा सकता, उसके गर्दे पा को नहीं पहुंच सकता। तो
उंगली से इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया, कोई साइंसदान नहीं कर सकता। दरख्तों को हुक्म दिया, दरख्त चलता हुआ आपके करीब आ गया, इस तरीके की कोई खरक आदत चीज कोई साइंसदान नहीं दिखा सकता। अरे चश्मे तो जारी होते पत्थरों से, पानी तो बहता है नदियों से, पानी निकलता है कुएं से, कभी आपने उंगली से पानी निकलते देखा है? सुलह हुदैबिया के मौके पर सन 6 हिजरी के अंदर मकाम हुदैबिया पर तकरीबन 1400 या 1500 सहाबे के नाम है, उठाकर देखिए अल्लामा इब्ने तैमिया की किताब अल फुरकान बैन औलिया शैतान व औलिया रहमान, 1400 या 1500 सहाबे के नाम है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली उठाई, उंगली से पानी इस तरह गिर रहा था जैसे चश्मे से पानी गिर रहा हो, और तकरीबन 1400 या 1500 सहाबे किराम ने अपनी प्यास बुझाई उंगली से गिरने वाले पानी से। यह एक मौजजा है जिसे दुनिया का कोई साइंसदान इस तरीके की कोई चीज, इस तरीके का कोई फेल नहीं दिखा सकता। पत्थर से पानी निकलते हुए देखा गया है, दरियाओं में पानी बहते देखा गया है, कुएं के अंदर पानी मौजूद देखा गया है, लेकिन उंगली से पानी निकलते हुए देखा नहीं गया, और वो भी इतना पानी निकला है कि 1400 या 1500 सहाबे किराम ने अपनी प्यास बुझाई है। यह मौजज़ा है। और जंग खंदक के मौके पर तकरीबन 3000 सहाबे किराम मोर्चे के ऊपर है और सब भूख से परेशान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब जिन्होंने आपकी दावत ली थी, कहा कि अल्लाह के रसूल चलिए थोड़ा सा खाना तनावल फरमा ले, आप उनके घर गए, कहा कि खाना कितने आदमियों का है? कहा बस एक आदमी का है, आप खा ले। आप बाहर निकले और आपने ऐलान फरमाया खंदक के मोर्चे पर जितने भी मुसलमान हैं 3000 सबके सब इधर आ जाओ, इस सहाबी क्या तुम सबकी दावत है। औरत अलग परेशान है और ये साहब अलग परेशान है, अल्लाह के रसूल मैंने सिर्फ आपकी दावत ली है। वो औरत भी परेशान कि दावत एक आदमी की है और यहां 3000 आदमियों को बुला लिया जा रहा है, लेकिन बड़ी अल्लाह वाली थी और वो भी सहाबी अल्लाह वाले वली अल्लाह के, कहने लगे हमने रसूल को दावत दी एक आदमी की, बकिया 3000 की दावत रसूल ने दी है, अब ये काम उनका है, वो खिलाएंगे 3000 आदमियों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को हुक्म दिया कि हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ी रहने दो और उसके ऊपर ढक्कन को वैसे रखने दो और उससे प्लेट के अंदर बर्तन के अंदर उस चीज को निकालती रहो जो हांडी के अंदर है। 3000 सहाबे किराम ने उस हांडी से खाना खा लिया और हांडी के अंदर उतना खाना अब भी बचा हुआ है। अल्लाह, इस तरीके का कोई फेल कोई साइंसदान नहीं दिखा सकता। यह मौजजा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अल्लाह तबारक तआला ने दिखाया। इसी तरह जंग खैबर के मौके पर पानी कम हो गया, कई सौ सहाबे किराम मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया तो एक आदमी के पास एक मशकेजा पानी था, वो चमड़े का जो मशकेजा होता है, एक मशकेजा पानी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक मशकेजे से पूरे लश्कर को पानी पिलाया। यह मौजजा है, एक पूरा लश्कर एक मशकेजे से पानी पी ले, एक अजीबोगरीब बात है, यह मौजजा है। सर्जन किसी की आंख निकल आए उसी जगह उसको रख दे बगैर किसी आले के, बगैर किसी दवा के, और रोशनी वैसी की वैसी रहे, कोई फर्क ना आए, ये दुनिया का कोई डॉक्टर कोई सर्जन ऐसा नहीं कर सकता। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके आंख पे चोट आई, आंख बाहर निकल आई, लटकने लगी, खून बह रहा है, आंख लटकी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब बुलाया और अपने दस्ते मुबारक से उस आंख को पकड़ करके सॉकेट के अंदर बिठा दिया। कहते हैं जैसे आंख बाहर निकली ही नहीं थी। बताइए दुनिया का कोई जर्रा कोई सर्जन इस तरीके का कोई फैल दिखा सकता है जो मेरे नबी के हाथ पर अल्लाह तबारक तआला ने जाहिर फरमाया। इसी तरह पैर की हड्डी टूट जाए तो हमको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उन्हें एक यहूदी की तादीब के लिए भेजा। वो दीवार पर चढ़े, कूदते हुए गिर पड़े तो पैर की हड्डी टूट गई। लंगड़ाते हुए आए, कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। जाहिर है पैर की हड्डी टूट जाए
तो जब तक आर्थोपेडिक सर्जन उसका बेहतरीन इलाज ना करे, पैर सही नहीं हो सकता। किसी के हाथ लगाने से हड्डी नहीं जुड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पैर सीधा करो। पैर सीधा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उनके पैर पर लगाया, कहा खड़े हो जाओ, दौड़ते हुए चले जाओ। हजरत मोहम्मद इब्ने मसलमा सीधे खड़े हुए, दौड़ते हुए चले गए। ये मोजजा है, उंगली का मोजजा। देखिए पानी बह रहा है, आंख निकली हुई सॉकेट में बिठा दिया, वैसी की वैसी आंख हो गई। पैर की हड्डी टूट गई, हाथ लगा दिया, पैर की हड्डी वैसी की वैसी जुड़ गई। एक मशकेदे से पूरे लश्कर को पानी पिला दे। एक हांडी के अंदर एक आदमी का खाना, 3000 आदमियों का खाना खा लिया। जंगे तबूक के मौके पर थोड़ा सा खाना था, और आपको मालूम है कि यह सबसे पहला लश्कर था जो इतनी तादाद में तबूक गया है, 30,000 आदमी थे। थोड़े से खाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 सहाबे किराम को शिकम सेर फरमाया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। अगर इंसान रो पड़े तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, परिंदे रोने लगे रो करके बताएं, जानवर रोने लगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अगर लाउड स्पीकर रोने लगे तो यह हैरत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर खुतबा देते तो एक उस्तवाना था, पिलर टाइप उस्तवाना, ऐसे इसको उस्तवाना बोलते, तो आप उसके ऊपर हाथ रखते थे। मिंबर जब चेंज हुआ तो अब आपने उसके ऊपर हाथ रखना छोड़ दिया। कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए और आपने अपना हाथ आदत के मुताबिक उस तवाने के ऊपर नहीं रखा तो वो बच्चों की तरह सिसक कर रो पड़ा। आपने बच्चों को रोते हुए देखा है, आपने जानवरों को रोते हुए देखा है, आपने परिंदों को रोते हुए देखा है, आपने जानदारों को रोते हुए देखा है, मगर लकड़ी के एक बेजान पिलर को, एक बेजवान उस तवाने को आपने कभी रोते हुए देखा है? वो रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उसके हाथ के ऊपर रखा, तो जैसे बच्चे को गोद में ले ले मां रोते हुए बच्चे को तो बच्चा चुप हो जाए, ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस तवाने के ऊपर हाथ रखा तो वो सिसकते हुए चुप हो गया। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर जाहिर होने वाला मोजजा, जो मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला का फेल है। तो अगर नबी से खरक आदत चीज का जोर हो तो मोजजा बन जाता है। अब आइए, अंबिया किराम के बाद जो सबसे बड़े वली होते हैं वो सहाबे किराम हैं। हजरत ज़िन्नीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल ने इतना मारा इनकी आंख की बीनाई जाती रही, मजाक उड़ाते हुए कहता था अरे तूने मोहम्मद के दीन को कबूल किया है, देख लातो उज्जा ने, हमारे माबूदों ने तेरी आंख की बीनाई खत्म कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की गैरत जलाल में आ गई और उसने हजरते ज़िन्नीरा की बीनाई वापस लौटा दी और उनकी आंखें चली गई थी, बीनाई चली गई थी। अल्लाह तबारक व तआला, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उनकी आंखें लौटा दी गई, उनकी बीनाई लौटा दी गई। यह है हजरत ज़ुनैर, जो नबी नहीं है बल्कि गैर नबी है, सहाबियां हैं, उनकी बीनाई चली गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि उनकी बीनाई वापस आ गई हजरत ज़िन्नीरा की। इसी तरीके से सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का एक लंबा सिलसिला है जिनके हाथों पर बेशुमार करामतें जाहिर हुई, जिसमें साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला, हजरत बरा इब्न मालिक, हजरत सईद इब्न जैद। हजरत सईद इब्न जैद रजी अल्लाह ताला के ऊपर अरवा नामी एक औरत ने इल्जाम लगाया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इसने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। उसकी आंखें चली गई और वो एक गड्ढे में गिर करके मर गई। अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी ऐसी करामतें उनके हाथ के ऊपर जाहिर फरमाई, साहब इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के हाथों। उसके बाद आगे बढ़िए, ताबईन में से बहुत सारे लोग हैं जैसे हसन बसरी, जिनका वाक्य अभी मैंने बयान किया कि हज्जाज ने 6 दफा उनको पकड़वाने के लिए पुलिस भेजी, सामने से जा रहे हैं मगर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ताबईन के हाथों पर भी बेशुमार करामतें जाहिर हुई। तो अगर नबी के हाथ पर खरकयादत चीज का जहूर हो तो मोजजा, गैर नबी के हाथ पर और अल्लाह का फरमा बरदार उसके हाथ पर खरकयादत चीज का जहूर करामत, और अगर किसी अल्लाह के नाफरमान के हाथों पर जाहिर हो तो वह इस्तिदराज है। हारिस दमश्की जो अब्दुल मलिक इब्न मरवान के जमाने में एक शख्स था,
अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान, जादूगर टाइप का था। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने हुक्म दिया इसको बेड़ियों में जकड़ दिया जाए। कहते बेड़ियों में जकड़ दिया गया, जंजीरें खुद बखुद खुल जाती थी और भाग जाता था, उसकी जंजीरें खुद बखुद, कोई भी जंजीर उसको बांध नहीं सकती थी। तो ये एक अल्लाह के नाफरमान के हाथों पर खरक आदत चीज का जोर हुआ, ये करामत नहीं है, इस्तिदराज है। मैंने डेविड कॉपरफील्ड की कैसेट देखी, हवा में उड़ रहा है, इंसान बगैर किसी सहारे के हवा में नहीं उड़ सकता, ये खरक आदत चीज है, जाहिर है कि इस्तिदराज है। एक अल्लाह के नाफरमान काफिर के हाथों चीज का जोर हुआ, इस्तिदराज है। बाद में एक लड़की को लेकर के उड़ा और ये शो दिखा रहा है, उसका शो मौजूद है। इसी तरीके से लंदन की सबसे महंगी कार, डाइनिंग कार, ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई है, तमाम लोगों ने हाथों में हाथ दे करके ट्रैक को घेरा हुआ है, दरमियान से जो डाइनिंग कार था गायब हो गया। डेविड कॉपरफील्ड ऐसा करके दिखाया, ये खरकाद चीज का जोर है, लेकिन ये करामत नहीं है, इस्तिदराज है। अल्लाह के नाफरमानों के हाथों पर भी बहुत सारी चीजें खरकयाद जाहिर होती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह का वली है। बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, कुछ ऐसी खरकयाद चीज का जोर हो जाता है, कहते हैं अल्लाह का वली है। तो पहचानो कि शैतानी वली कौन से है और रहमानी वली कौन से है। अगर ये देखो कि ये अल्लाह का फरमा बरदार है, नमाज रोजे का पाबंद है, अगर कोई खरकयादत चीज जाहिर होती है तो यह सचमुच अल्लाह का वली है। और अगर देखो कि ना नमाज का पाबंद, ना रोजे का पाबंद, ना नहाता नहीं, गंदा रहता है, दूर से बदबू के बदन से आती है, तो समझो कि यह आदमी अल्लाह का नाफरमान है। अगर इसके हाथों पर किसी खरकयादत चीज का जोहर हो जाए तो यह अल्लाह का वली नहीं है, यह जादूगर टाइप है और यह इस्तिदराज है, उसे मुसलमान ना माना जाए। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया, जनाब हवाओं में उड़ना और पानी के ऊपर चलना यह चंद दिन के मुजाहिदे और रियाजत की बात है, असल चीज, असल विलायत और असल वली होना इस बात पर मुनहसिर है कि आदमी सुन्नतों का कितना पाबंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर कितना अमल करता है, कुरान हकीम के अहकाम के ऊपर कितना अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला का कितना फरमा बरदार है। तो किसी आदमी को देखो कि हवाओं में उड़ना है, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली हो। किसी आदमी को देखो कि पानी के ऊपर चल रहा है, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली हो। हो सकता है कि वो इस्तिदराज हो, डेविड कॉपरफील्ड की तरह, डेविड कॉपरफील्ड की तरह। अब अगर वो आदमी मुसलमानों का लिबास पहन ले, ऐसे जुब्बा पहन ले, टोपी लगा ले, पगड़ बांध ले, तो क्या आप उसे कहेंगे डेविड कॉपरफील्ड रजी अल्लाह तआला नो? नहीं कह सकते, इसलिए कि वो काफिर है। अगर खरकयाद चीज उसके हाथों पर जाहिर हो रही है तो उसे वली नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो शैतानी वली है और उसका ये फेल इस्तिदराज है, करामत नहीं है, और नबी नहीं है तो मौजूजा नहीं। इसलिए कि इससे पहले बहुत सारे अदवार के अंदर इस तरीके की खरकयादत चीजें अल्लाह के नाफरमानों से जाहिर हुई। हारिस दमिश्की का अभी वाकया मैंने बयान किया कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान के जमाने में यह शख्स था, पकड़ करके लाया जाता, जंजीरों से बांध दिया जाता, यह आदमी जेल से भी निकल जाता और जंजीरें भी खुल जाया करती थी। क्या कहेंगे, यह आदमी अल्लाह का वली था? कतान नहीं। अगर अल्लाह का वली था तो इसे बांधा क्यों जाता था, इसे गलत चीजों में पकड़ा जाता था। और अल्लाह का वली मुत्तकी होता है, ईमान वाला होता है। और एक बात और याद रखें कि जन्नत में जाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, ईमान और तकवा। ये दोनों चीजें नहीं है तो वली नहीं, और वली नहीं तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आइए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इसरा वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم والسلام بينكم رواه مسلم في كتاب الايمان। امام مسلم اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لایا ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान वाले ना हो जाओ। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान जरूरी है, एक जन्नत में दाखिले के लिए ईमान जरूरी है, और विलायत की पहली शर्त यह है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू। ईमान के बगैर वली नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान जरूरी है जन्नत में दाखिले के लिए, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और तकवा अल्लाह ने फरमाया सूरह मरियम में,
तिलकल जन्नतुल्लती नूरी सुमिन इबादिना मन कान तकिया। इस जन्नत के अंदर हम उन आदमियों को दाखिल करने वाले हैं, इस जन्नत का वारिस हम उन लोगों को बनाने वाले हैं जो मुत्तकी हैं। देखिए वहां जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, और कुरान हकीम बोलता है कि जन्नत में जाने के लिए तकवा जरूरी है, और यही दोनों बातें विलायत के लिए शर्त करार दे दी गई हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो ईमान वाले और तकवा वाले, तो फर्क कर लो कि रहमानी वली कौन है और शैतानी वली कौन है। अगर वो अल्लाह का फरमा बरदार है, ईमान वाला और तकवा वाला है, उसके हाथों पर अगर कोई खर क़यादत चीज जाहिर हो जाए तो करामत है, वो रहमानी वली है। और अगर वो अल्लाह का ना फरमान है, नमाज रोजों का पाबंद नहीं है, कुफ्र में डूबा हुआ है, शिर्क में डूबा हुआ है, बिदातों के अंदर डूबा हुआ है, सही अकीदा नहीं रखता, शरीयत की सही पहचान नहीं रखता, तो ऐसे तमाम के तमाम लोग ये औलिया उस शैतान है, औलिया उर रहमान नहीं हो सकते। अगर कुरान हकीम अज अव्वल ता आखिर खोल कर देखा जाए तो औलिया कराम के बारे में इतनी सारी चीज़ें बयान की गई हैं, तरह तरह से उनके औसाफ, तरह तरह से उनके मरातिब, उनके मनाकिब, ये सब बयान किए गए हैं। और वो तरतीब याद रखिए, सबसे बड़ी वली कौन से? अंबिया कराम। अंबिया कराम के बाद सबसे बड़े वली कौन? अंबिया कराम में सबसे बड़े वली कौन? रसूल। रसूलों में सबसे बड़ा वली कौन? उलुल अज़्म में सबसे बड़े कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अंबिया कराम के बाद सहाबे कराम, सहाबे कराम के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबा ताबईन। ये तरतीब है औलिया कराम की, और कयामत तक जो इनके रूट के ऊपर चलते रहे वो सारे के सारे औलिया अल्लाह है, और जो इनके रूट से हट करके है वो दर हकीकत औलिया शैतान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम ईमान और तकवा के ऊपर जमे रहें, और अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम फर्क कर सकें कि औलिया शैतान कौन है और औलिया रहमान कौन है। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।